एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल राजा के शो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं छायावाद और यथार्थवाद, जो कि लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है काव्य कला और अन्य निबंध। तो दोस्तों उसी में से ये जो निबंध है लिया गया है, छायावाद और यथार्थवाद, जो कि लगा है आपकी आलोचना में। तो इस वीडियो में जो मेन बात करेंगे हम छायावाद और यथार्थवाद के बारे में। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी छायावाद और यथार्थवाद को हिंदी साहित्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियों में गिनवाते हैं इनको, यानी हिंदी साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं उसमें से यथार्थवाद और छायावाद ये दोनों भी क्या है, काफी प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, ऐसी वो घोषणा इसमें शुरुआत में ही करते हैं। इसके बाद दोस्तों वो बताते हैं कि आज के संदर्भ में यथार्थवाद और छायावाद जिस टाइम पर वो इसे लिख रहे थे कि वर्तमान संदर्भ में इनका इनकी व्याख्या करते हैं एक तरीके से कि वर्तमान संबंध में इनका क्या अर्थ है, हमें क्या अर्थ लेना चाहिए यथार्थवाद का और छायावाद का। ये जो सारे विचार आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वो सारे विचार किन के होंगे, जयशंकर प्रसाद जी के। यथार्थवाद पे और छायावाद पे आपको और भी काफी सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, पर लेकिन जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो सारे विचार किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और ये जो लिया गया है कहां से, काव्य कला और अन्य निबंध इनका संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का, तो उसी में से इसको लेके लिखा गया है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे यथार्थवाद से कि यथार्थवाद क्या है। तो दोस्तों यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद आया क्यों। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले आदर्शवाद को समझना पड़ेगा। आदर्शवाद को जानने से पहले आदर्श शब्द को समझते हैं। दोस्तों आदर्श एक तरीके से मतलब आदर्श एक तरीके से क्या होता है, क्या होना चाहिए या फिर कोई चीज कैसी होनी चाहिए, बेशक उसका जो रियलिटी में है वो कुछ भी हो, अलग हो, पर लेकिन एक आदर्श होता है ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तो होता है आदर्श। आदर्श मैंने आपको बता दिया, अब जान लेते आदर्शवाद। आदर्शवाद दोस्तों मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया होगा कि वाद जहां पर लग जाता है वो क्या है, जो जिसके पीछे वाद लगता है वो क्या है, उसके प्रति ज्यादा आग्रह उनका बढ़ जाता है। अभी हमने आदर्श के पीछे क्या लगाया है, वाद। तो अब क्या है, एक तरीके से वो लोग आदर्श को ज्यादा महत्व देंगे, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि वो आदर्श को ही महत्व देंगे। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आदर्शवाद एक अवधारणा है उसके अंदर क्या होता है कि उनका मानना रहेगा कि सब चीजें क्या है, आदर्श तक रहे, बुराइयों से जैसे नकारात्मक चीजों से वो दूर भागते हैं। जैसे कि अगर वो किसी कोई साहित्य की रचना कर रहे हैं तो साहित्य में केवल अच्छी अच्छी चीजों का वर्णन होगा, दुखात्मक चीजों का वर्णन वो नहीं करेंगे, केवल अच्छी बातें लिखेंगे। और ठीक इसी प्रकार से वो हमेशा जीतने के प्रसंग, खुशी के प्रसंग और स्थिति को हमेशा आदर्श दिखाएंगे, बढ़िया दिखाएंगे एक तरीके से, तो ये होता आदर्शवाद। तो दोस्तों क्या होता था ना कि कुछ लोगों को ये बातें फिर खटकने लगी, जैसे जैसे ये आदर्शवाद साहित्य बढ़ता गया, अच्छाइयों का जो साहित्य मतलब कि समाज में कुछ भी चल रहा हो पर लेकिन ये लोग क्या दिखाते थे, आदर्श स्थिति हमेशा। तो कुछ लोगों का एक वर्ग बना कि नहीं अब इस आदर्शवाद को बंद करना चाहिए, इस बकवास को बंद करो कि जैसा समाज में हो रहा है उससे बिल्कुल उलट दिखाता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं रियलिटी में। तो वहीं से ही दोस्तों यथार्थवाद जन्म लेता है आदर्शवाद के अपोजिट, उससे उल्टा। आदर्शवाद की यह अवधारणा रहती है दोस्तों कि जैसा समाज में हो रहा है या जैसा होता आ रहा है या जैसा होता है उसे दिखाना, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करना, वो क्या है, यथार्थवाद। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा अच्छाई की जीत वास्तविकता में नहीं होती है, कई बार या ज्यादातर मामले में बुराई ही जीत जाती है। साहित्य में दोस्तों इसी चीज को दिखाने का काम किसने किया, यथार्थवाद ने। यथार्थवाद आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ भी वाद लगा पड़ा है, इससे पहले क्या है, यथार्थ है। यथार्थ मतलब सच्चाई, वास्तविकता क्या है। तो जैसे ही दोस्तों यथार्थवाद आया तो साहित्य में चीजें अब चेंज होने लग गई। अब यहाँ पर क्या है, आदर्श स्थितियों की बात ना करके वास्तविकता में जैसा समाज में हो रहा है या जैसी चीजें वास्तविकता में घटित होती है कि वास्तविकता में हमारा जीवन काफी अगर हम देखें तो ज्यादातर दुख में ही रहता है, जितना सुख और उससे सुख से ज्यादा तो दुख रहता है जीवन में। तो क्या है, इसलिए यथार्थवाद कहता है कि जैसा जीवन में हो रहा है वैसा ही साहित्य में भी होगा, वैसा ही हम साहित्य में दिखाएंगे। तो ये तो थी यथार्थवाद की अवधारणा। जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि जैसे ही यथार्थवाद आया उसमें क्या है, जनसाधारण की बात होने लग गई। पहले का जो साहित्य था उसमें सामान्य लोग से मेरा अर्थ है जो कि थोड़े से आर्थिक रूप से कमजोर हो या जिनका उतना ज्यादा प्रभुत्व ना हो, साधारण नॉर्मल लोग, जैसे राजा होता है उसकी प्रजा साधारण लोग हो गए, तो उन लोगों के बारे में भी साहित्य में आने लगा, वर्णन होने लगा यथार्थवाद के आने के बाद। जीवन की जो वास्तविकता है उसका चित्रण अब
इस साहित्य में होने लगा यथार्थवाद की बात, कल्पना से दूर जाने लगे, यानी जो काल्पनिकता होती है ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, में कल्पना मतलब एक तरीके से जो सत्य नहीं है, सत्य से दूर क्या है कल्पना, तो उसको क्या है ऐसी सोच को दूर करा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वे जीवन की क्या है वास्तविकता देख रहे हैं। तो ये यथार्थवाद का अगर आप पूछे मेरे से कि यथार्थवाद का जन्म एक तरीके से कैसे हुआ, ये कैसे अस्तित्व में आया, तो इसका जो मेन कारण है जो कि जयशंकर प्रसाद जी भी बताते हैं वो है वेदना। आपको मैंने बताया कि जो वास्तविकता में क्या है साहित्य में जो पहले दिखा रहे थे मनुष्य को हमेशा सुखी दिखाता था, हमेशा जो है साहित्य में सुखी एंडिंग, हमारी मूवीज में भी सुखी एंडिंग होती है ना, मतलब कि लास्ट में सब अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, एकदम सुख दुख से दूर। परंतु क्या है यथार्थवाद कहता है कि जीवन में सुख है पर उससे ज्यादा तो दुख है, तो उसका वर्णन भी क्या है साहित्य में मिलना चाहिए। मनुष्य का दोस्तों यही दुख देख करके लोगों के अंदर क्या है वेदना उत्पन्न हुई, उन्हें लगा कि नहीं ये चीज तो साहित्य में दिखानी चाहिए, इससे हम भाग नहीं सकते, उसका जो दुख है उसकी जो पीड़ा है ये साहित्य में आनी चाहिए। तो इसी चीज को दिखाने के लिए यथार्थवाद का एक तरीके से जन्म हुआ, जो प्रेरणा मिली यथार्थवाद की अस्तित्व में आए वो क्या था वेदना था, मनुष्य का दुख दर्द उसी को दिखाने के लिए क्या है यथार्थवाद अब आया, जन्म लिया उसने। इसने कहा बहुत हो गया लोगों को पागल बनाना, अब जैसा होता है वैसा आप दिखाएंगे। यथार्थवाद आ जाने के बाद दोस्तों अब साहित्य में केवल अच्छी बातें या फिर साहसिक कृतियां या राजाओं के जो साहस के बारे में होता है उनकी जानकारी एक तरीके से उस साहित्य में प्रोवाइड कराना, अब इस सबसे दूर उन चीजों का भी चलन अब साहित्य में आया यथार्थवाद के आने के बाद, जो पहले चलन में नहीं था, जैसे मनुष्य के दुख को दिखाना, उसकी गलतियों को दिखाना, मनुष्य के जीवन का दुख है उसी को अब साहित्य में बढ़ चढ़कर दिखाया जाने लगा। अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो यथार्थवाद के आने के बाद उस आदर्शात्मक स्थिति जो पहले थी उसमें उन्होंने जिस चीजों को वो छोड़ रहे थे उन चीजों को कहा यथार्थवाद ने अब दिखाना चालू कर दिया, यानी कि जीवन के उन पहलुओं को जिसमें दुख, मनुष्य के द्वारा की गई गलतियां इत्यादि इन सब बातों का वर्णन होने लग गया, और अच्छाई भी हारती है बुराई से, ये सब बातें क्या है यथार्थवाद में अब आने लगा था, सच्चाई जिसे कहते हैं जैसा होता है। चलते हैं दोस्तों अब छायावाद की ओर। तो दोस्तों छायावाद है क्या, तो आज के बाद दोस्तों अगर आपको नहीं पता है छायावाद क्या है तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले कि छायावाद होता क्या है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि छायावाद है क्या। पहले क्या है इतिहास का वर्णन ज्यादा होता था साहित्य में, पुरानी घटनाओं के बारे में बताना, जैसे राजा महाराजाओं के बारे में या कोई ऐतिहासिक घटना है वो सब क्या है साहित्य में लिखी जाती थी, देश विदेश की या फिर कोई सुंदर वस्तु हो उस चीज का वर्णन करने लग जाए, या बाहरी वातावरण है उन सब का वर्णन हो, एक तरीके से बाहरी रूप का वर्णन या फिर पुरानी घटनाओं का वर्णन क्या है साहित्य में पहले होता आ रहा था। छायावाद से पहले क्या है दोस्तों इन्हीं सब चीजों का चलन चल रहा था, पर लेकिन जैसे ही साहित्य का ट्रेंड चेंज हुआ उसके अंदर ये बाहरी वस्तुओं को छोड़ करके ना ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होने लगा, अब ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं होने लगा था उसे छोड़ दिया था, और दूसरा जो बाहरी वस्तुएं हैं उनका भी वर्णन खत्म कर दिया, और केंद्र में किसको लिया गया वेदना को, यानी अब मनुष्य के ऊपर बात होगी, मनुष्य की जो वेदना है उसकी सहानुभूति है, जो मनुष्य ने फील किया है जो वेदना उसने फील करी है उसकी अभिव्यक्ति करना क्या है छायावाद है। छायावाद दोस्तों रीतिकाल के बाद आता है, रीतिकाल के टाइम पर क्या होता था कि रीतिकाल के टाइम पर जो कविताएं लिखी जाती थी वो क्या है ज्यादातर बारीक वस्तुओं का ज्यादातर वर्णन मिलता था, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, राजा महाराजाओं के कृत्यों के बारे में वर्णन, राजा महाराजाओं के साहस की वीर गाथाओं के बारे में क्या है लिखा जाता था, सिंगारिकता के ऊपर कविताएं होती थी। पर ये जो ट्रेंड है ये चेंज हुआ, रीतिकाल का ट्रेंड बदला, तो एक चीज तो आई मनुष्य की वेदना, अब दूसरी चीज जो छायावाद को मतलब कि इसमें एड ऑन करनी है, ये दो चीज ही मेन है जो छायावाद को डिफाइन कर देती है, पहला मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट जो छायावाद को डिफाइन कर रही है, और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये वाला है जो कि अभिव्यक्ति के अंदर आता है, कि मतलब जो ये जो वेदना अब पहले क्या है भारी चीजों का वर्णन होता था तो उस हिसाब से क्या है उनकी भाषा थी, उसी हिसाब से उनकी शैली थी उसे अभिव्यक्त करने की, पर जिस तरीके जैसे ही अब क्या है वेदनाएं बदली, मतलब अब जो साहित्य में चीजें लिखेंगे या दिखाएंगे वो बदल चुकी है, अब वो मनुष्य के ऊपर बात कर रहे हैं, मनुष्य की वेदना के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके सुख और दुख की बात कर रहे हैं, तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें नई भाषा की नई शैली की आवश्यकता पड़ी, तो वो क्या है नई शैली ढूंढ रहे थे, वाक्यों का विन्यास कैसे किया जाए, मतलब वाक्य को किस तरीके से
पहला शब्द कौन सा होगा, दूसरा शब्द कौन सा होगा, शब्दों को किस प्रकार से अरेंज किया जाए जिससे कि जो वो कहना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचे, वो क्या है वाक्य विन्यास, एक तरीके से वाक्य को किस क्रम उसका कैसा रहे ताकि जो बताना चाह रहे हैं वो पहुंचे। तो ये चैलेंज था कि अब वो साहित्य में क्या है नई चीजों को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, तो उस अभिव्यक्ति को देने के लिए भी भाषा चाहिए होगी ना नई, तो उस भाषा को क्या है छायावाद के लिए फिर नई भाषा का क्या है एक तरीके से जो कवि थे नई भाषा शैली लिखनी चालू करी उन्होंने। इसी वजह से क्या है छायावाद की कवियों की जो भाषा है थोड़ी सी कठिन हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसमें क्या है रहस्यता का भाव भी आ जाता है, मतलब क्लियर नहीं हो पाता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पर इसका मतलब कुछ लोग पता है इनको इसलिए रहस्यवादी भी कह देते हैं, इनके पीछे भी वाद लगा दिया। अब वाद लग गया है तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसका मतलब यह है कि इनका सारा जोर क्या था रहस्य पर था, ये लिखी इसलिए रहे थे ताकि किसी को समझ में ना आए, ये मतलब निकलता है इन्हें ये बोलने का रहस्यवादी। परंतु जयशंकर प्रसाद जी यहां पर क्लियर करते हैं कि छायावाद का मतलब रहस्यवादी बिल्कुल भी नहीं है, इनका उद्देश्य रहस्यात्मक कविताएं लिखना बिल्कुल भी नहीं है। वो आगे बताते हैं कि ये रहस्य आ कैसे जाता है, वो कहते हैं जब कभी कोई चीज बताना चाह रहा होता है तो हो सकता है उसके जो वाक्य विन्यास था उसमें गड़बड़ी हो गई हो, उसने मतलब कि समझने में उससे कोई गलती हो गई हो, या जिस तरीके से वह अभिव्यक्त करना चाह रहा था बताना चाह रहा था उस तरीके से वो बता ना पाया हो, वे क्या पता वो भावनात्मक रूप से उसे सोचना था परंतु उसने बुद्धि का सहारा ले लिया, इसी प्रकार से उससे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से क्या है कविता स्पष्ट नहीं हो पाई कि वो कहना क्या चाह रहा था, तो इससे क्या है रहस्यात्मकता उस कविता में आ जाती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वो कविता लिखी ही इसलिए थी ताकि किसी को समझ में ना आए, यही कुछ लोग यही समझ के इनको क्या रहस्यवादी कहने लग जाते हैं। तो इसी का जयशंकर प्रसाद जी विरोध करते हैं कि रहस्यवादी नहीं है छायावाद, वो तो आ जाता है अपने आप कुछ गलतियों की वजह से, ठीक है, पर उनका उद्देश्य ये रहस्य नहीं है। दूसरी बात दोस्तों यहां पर करते हैं प्रकृति की, एक और मिसकंसेप्शन है, मतलब गलत अवधारणा जिसे जयशंकर प्रसाद जी क्लियर करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति का वर्णन जो कविताएं करती है वो छायावाद है, ऐसा कुछ लोग मान लेते हैं कि प्रकृति का वर्णन ही छायावाद से ही शुरू हुआ है, पर जयशंकर प्रसाद यहां पर क्लियर करते हैं कि जिनमें प्रकृति का वर्णन मिले वो कविताएं छायावादी है, ऐसा मानना भी सही नहीं है। वो कहते हैं कि प्रकृति का तो वो यूज करते हैं अपनी अभिव्यक्ति, मतलब जो चीज वो कहना चाह रहे हैं उसका उसे कहने के लिए क्या है प्रकृति को एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं, परंतु ये मान लेना कि जिसमें प्रकृति का वर्णन है वही छायावाद है ऐसा नहीं है। हम दोस्तों बात कर रहे थे अभिव्यक्ति किस प्रकार से हो उस नई अनुभूति की, तो उसके लिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने कुछ वर्ड यूज करे हैं, पहला है वक्रता जिसे वक्रोक्ति भी कहते हैं, और ध्वनि शब्द विन्यास दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये दो तीन वर्ड आपके सामने टेक्स्ट में भी आएंगे। वक्रता का मतलब दोस्तों आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है, ये दूसरी और तीसरी वाली है, ध्वनि मतलब तीसरी वाली शब्द शक्ति और ये दूसरी। आपको दोस्तों शायद पता होगा कि तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है, नहीं पता तो मैं बताया था, पहली होती है अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति मतलब क्या उस शब्द में कितनी शक्ति है किसी जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसको पहुंचाने के लिए कुछ शब्दों का हम सहारा लेते हैं, तो उन्हीं शब्दों को क्या कैटेगराइज कर दिया गया एक तरीके से कि क्या शब्द शक्ति है। तो पहली होती है अभिधा, अभिधा मतलब जो नॉर्मल सीधी बात हम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि राहुल तो मोटा है, तो इसमें साफ अर्थ निकल रहा है कि राहुल को मैं मोटा कह रहा हूं और वो मोटा है, तो ये क्या है अभिधा शब्द शक्ति। अब मैं बोलूं कि राहुल तो हाथी जैसा है, इसका मतलब क्या है मैं उसे कंपेयर कर रहा हूं हाथी से कि वो हाथी जितना मोटा है, मैंने सीधा नहीं बोला परंतु क्या करा उसे लक्षणा दी है, उसके लक्षण कैसे हाथी जैसे कि मोटा है, तो ये क्या होगी लक्षणा शक्ति होगी। तो इसी लक्षणा शब्द शक्ति को इन्होंने क्या कहा वक्रता कहा है, जहां पर बात पता है सामान्य ना हो, सामान्य से विशेष हो, सामान्य मैंने आपको बताया था राहुल मोटा ये सामान्य बात है, परंतु हाथी जैसा ये थोड़ी सी असामान्य हो गई, थोड़ी सी क्या है टेढ़ी है, तो ये वक्रता का गुण होता है। तो कविता के अंदर ये वाला गुण कविता को क्या है और ज्यादा रोचक बनाता है और उसे और ज्यादा क्या है चमत्कारिक बनाता है। तो ये बात थोड़ी सुनने में भी अच्छी लगती है अगर हम किसी को लक्षण देके बात करें कि तो शेर जैसा शक्तिशाली है, अरे ये तो शेर है, ये वाला सही रहेगा ज्यादा, ये तो शेर है, तो क्या है ये वक्रता।
तो तीसरी शब्द शक्ति होती है दोस्तों व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो व्यंजना शब्द शक्ति एक तरीके से जो बात या जो भी लाइन मैं कहूंगा, जैसे मैंने कहा सूरज डूब गया है, इसका अर्थ दोस्तों क्या निकालेंगे? अब क्या है, ये एक लाइन है परंतु अलग अलग व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग अलग निकल सकता है। जैसे कि सूरज डूब गया, इसका एक अर्थ तो सीधा सा सिंपल सा ही निकलता है कि सूरज डूब गया, रात हो गई। परंतु दोस्तों यही शब्द अगर एक यात्री यूज करे, बोले कि सूरज डूब गया, तो उसके बाकी साथियों को बोले आप, एक यात्री जो कि यात्रा करने के लिए जा रहा है, ठीक है, अपने दोस्तों से बोले कि क्या है, सूरज डूब गया, इसका अर्थ दोस्तों उनके दोस्त क्या निकालेंगे कि सूरज डूब गया है, इसका अर्थ है अब हमें रुक जाना चाहिए, आगे और सफर करना क्या खतरनाक है, हमें कैंप लगाना है, इसका मतलब तो क्या है, वो कैंप लगाएंगे। ऐसे ही कोई मंदिर का पुजारी अगर अपने बाकी साथियों से कहता है सूरज डूब गया, तो इसका अर्थ है कि रात हो गई है, मंदिर का गेट वेट सारा बंद करो। इसी प्रकार से यदि एक चोर अपने साथियों के साथ बात करता है कि सूरज डूब गया है, तो इसका अर्थ वो क्या निकालेंगे, या तो सूरज डूब गया है मतलब उन्होंने जो सामान चुराया है उसको क्या है अब ठिकाने लगाया जाए, उसको सही जगह पे करा जाए, या फिर चोरी करने के लिए चला जाए। तो शब्द एक ही है परंतु उसके अलग अलग रूप निकल रहे हैं किसे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो शब्द शक्ति होती है इसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसी व्यंजना शक्ति को दोस्तों शॉर्ट रूप में व्यंग्य भी बोल देते हैं, और जो सबसे उत्तम व्यंग्य होता है, मतलब कि इसी यही मान लो उत्तम व्यंग मतलब कि बढ़िया, उसको क्या है ये लोग ध्वनि बोल रहे हैं, इसी को क्या है ध्वनि बोल रहे हैं। एक तरीके से ध्वनि मतलब आप व्यंजना शब्द शक्ति से ही मानो, तो व्यंजना की शब्द शक्ति का प्रयोग भी अपनी कविताओं में करना वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से छायावाद की विशेषता में आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये तीन प्रकार की शब्द शक्ति थी, तो इस प्रकार से क्या है छायावाद हो जाता है क्लियर। छायावाद में आपको केवल दो चीजें याद रखनी है, पहली इसमें जो पुराणिक और ऐतिहासिक या फिर बाहरी चीजों का जो वस्तुओं का वर्णन हो रहा था, जो कि रीतिकाल में ऐसा होता था वर्णन, परंतु उससे हट करके अब क्या मनुष्य की वेदना और उसके सुख दुख को काव्य में दिखाने लग गए, तो भी किस तरीके से एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के साथ इनकी वेदनाओं को दिखाना पहला पॉइंट, दूसरा उसे क्या है नई शैली से, नए वाक्य विन्यास से, वक्रता से, ध्वनि से, इन आदि क्या है इन सब चीजों का उपयोग करके क्या है जो काव्य की अभिव्यक्ति है उसको सशक्त बनाना, जो वो कहना चाह रहे उस लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए उन्होंने क्या एक शक्तिशाली भाषा का उपयोग करते हैं छायावादी। तो ये क्या है छायावाद, इन दो चीज से हो जाएगा। नीचे जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से फ्रेम करी हुई मिल जाएगी। ये दो चीज आपको अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी, प्राकृतिक और रहस्यात्मक, जो कि आप वीडियो में से देख के लिख लेना। और वीडियो को अगर मैं समराइज कर दूं तो समराइजेशन में यही था कि जयशंकर प्रसाद जी के आपने क्या है इन दो प्रवृत्ति के ऊपर विचार जाने। छायावाद मैंने आपको बता दिया, यथार्थवाद के बात के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसा वास्तव में समाज में हो रहा है, पुरानी लीक से जो चीजें जैसा समाज में वास्तविकता में हो रहा है या होता है उसी को दिखाना क्या है यथार्थवाद। उसमें वो लोग जन साधारण लोगों की बात करने लग गए, जीवन की वास्तविकता का वर्णन होने लग गया, काल्पनिकता से दूर हुए वो लोग, और सबसे बड़ी बात ये यथार्थवाद क्या है एक तरीके से वेदना उसकी क्या है प्रेरणा है, वेदना से ही क्या यथार्थवाद का जन्म हुआ है एक तरीके से। तो ये था दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया छायावाद और यथार्थवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस आती रहेंगी इसी तरीके से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस जो जितनी जल्दी ला सकूं लाऊं। आप अपने तरफ से भी कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, मैं वीडियोस तो बना ही रहा हूं। एक बात दोस्तों याद रखना कि ये वीडियोस देखने के बाद आप एक बार जाके टेक्स्ट को जरूर पढ़ा कीजिए, उसे पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप आंसर्स लिखेंगे तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको शब्द चाहिए होंगे, आपको पता होगा क्या लिखना है, पर लेकिन शब्द अगर नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो शब्द आपके पास तभी आएंगे जब आप किताबों को पढ़ेंगे, वो शब्द तुम्हारी आंखों से जब गुजरेंगे तभी क्या है उन्हें आप लिख भी पाएंगे। तो अपनी किताबों में उसे पढ़िए, तब जाके ये वीडियो देखने का फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। केवल वीडियो देख के आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा ताकि वो शब्द आपको याद हो जाए। तो जा करके पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स है उसे पढ़ लेना।